हम मसाला डालते हैं वो आप देखिए, दो से तीन चम्मच जो है हमारे पास ये नमक है, सादा नमक है बिल्कुल, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। एक चम्मच है हमारे पास कुछ धनिया पाउडर, दो चम्मच देसी लाल मिर्च और दो चम्मच हमारे पास छोटी लाल मिर्च, और ये कुछ साबुत मसाला है पिसा हुआ बराबर है, और ये पिसा हुआ दोनों हम लेंगे ठीक है, एक एक कांटे में वन एक एक चम्मच लगा ठीक है साबुत ये पिसा हुआ, और एक चम्मच हमें लिया है हल्दी और एक चम्मच हमें लिया है जीरा ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास है हाफ की चीज़ जो है वो हमारे पास, और ये देखिए वो कलर है जिसमें मैंने दो के दो चम्मच में पानी के डाल दिए, और ये देखिए आलू हमारे तकरीबन आधा पाव, और एक चम्मच नेशनल का मसाला है, और दम के लिए ये हमने प्याज को चॉप किया है इसको हम फ्राई करेंगे, वेजिटेबल ऑयल है हमारे पास हम ये यूज़ करेंगे ठीक है, तकरीबन हम दो कप डाल देंगे। देखिए फ्रेंड पांच टमाटर है हमारे पास, और एक कटी है हमारे पास लहसुन की, और 11 से 12 मिर्चें हैं हरी मिर्च को हमने ग्रीन चिली के साथ काट लिया है, और अदरक के 3 से 4 टुकड़े हैं जिनको हम ग्रीन चिली के साथ तोड़ लेंगे ठीक है। और अब हम बताते हैं आपको, और ये नहीं सॉरी हमें बताना आपको बोल देंगे ये क्या है, अब मैं चावल दिखाऊंगी आपको, चावल मैंने लिए हैं 5 ग्लास जिनको मैंने साफ करके भिगो के रख लिया, तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब तमाम चीज़ों को मैं जैसे जैसे इस्तेमाल करूंगी यूज़ करूंगी मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी ठीक है। और व्यूवर्स ये 4 अंडे हैं जिनको मैं बॉयल कर रही हूँ, ये भी हम दम में यूज़ करेंगे। इधर मैंने चूल्हे पे देखिए फ्राई कर दिया है चावलों के लिए, हमने एक गैस का लिया बड़ा सा, और तकरीबन हमने 2 से 3 कप जो है इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। अब हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे, अब हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। अब हम 2 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे, चावलों को मैंने पानी में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो ऐड करेंगे सिरका, ताकि चावल का कलर जो है वो वाइट हो जाए और ज़्यादा। अब हम मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक चावल बॉयल ना हो जाए। इमली को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो गई, सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए कितनी प्यारी इमली की चटनी रेडी हो गई है। अब हम दही में ये बिरयानी मसाला जो नेशनल वालों का है ये हम सारा पैकेट इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम लहसुन और प्याज इसको हमने दरदरा से ये देखिए कूट लिया है, अब हम वो शामिल करेंगे, प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, सॉरी मैं भूल गई थी प्याज कह दिया, लहसुन और अदरक है ठीक है। प्याज को तो हम अभी फ्राई करेंगे जो हम दम में यूज करेंगे, अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब देखिए व्यूअर चावल हमारे हो गए हैं, तो कच्ची कढ़ी पे मैंने इनको उतार लिया है, और जो कसर रह जाएगी वो हम दम में इसको पूरा कर लेंगे। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे, लहसुन प्याज अदरक है उसको हमने कर दिया है लाइट ब्राउन, अब हम इसमें चिकन डालकर और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। देखिए चावलों का कितना प्यारा कलर आया, आप जब भी चावल बॉयल करें तो इसमें सिरका जरूर ऐड कीजिएगा, ये टिप है। तो देखिए चिकन का भी कलर जो है वो चेंज हो रहा है, अब हम इसको सब्जियाँ आजकल भूनेंगे अच्छी तरह से, अच्छी तरह से चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा। चिकन का कलर किस तरह का होगा तो हम इसमें बाकी जो टमाटर और हरी मिर्च वगैरह मसाले जाते हैं वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल करेंगे, और ये जो आपको मैंने खुश्क मसाला जाट बताए थे अब ये हम सब शामिल कर देंगे। एंड अब तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छी तरह। अब ये जो मैंने दही में वो नेशनल बिरयानी मसाला शामिल करके इसको मिक्स किया था,
अब हम वो शामिल करेंगे, देखिए, और इसको अच्छी तरह से करेंगे हम मिक्स। और तमाम देखने वाले बिल्कुल देखने वाले बालों को मेरी तरफ से ईद मिलादी बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम इसमें आलू बुखारे शामिल करेंगे, इनको मैंने धो लिया है, ये देखिए इसमें तमाम आलू बुखारों को मैं मसाले में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये इमली है जिसकी बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी रेडी होगी हमारे पास। अब हम ये भी शामिल करेंगे इसमें और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब ये है प्याज जिनको हमने फ्राई करना है, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टीस्पून ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और इसी में हम इसको करेंगे फ्राई। और आज कुकिंग की हमारी छोटी सिस्टर कर रही है, हमारे घर आई थी मेहमान, आज ये जो तय वाली बिरयानी बन रही है हम भी चेक करेंगे कि ये कैसी बनती है। और आप भी मुझे बताइएगा बना के कि आपको कैसी लगी। अब देखें हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है चावलों के लिए। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है, किचन में खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और ये देखिए चिकन ने ऑयल भी छोड़ दिया, आपके सामने है सारा, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप प्लीज़ बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हमने प्याज और ऑयल जो आप दिखाया था ये देखिए अब हम चूल्हे पे रखा है इसको, इसको करेंगे ब्राउन। अब हम इसकी तह लगाएंगे, इसमें हम शामिल करेंगे चावलों और सालन को, कोरमे को हम ऐड करेंगे इस तरीके में, एक तह लगाएंगे कोरमे की, फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे चावल। अब हम चावल डाल रहे हैं इसमें, ऑयल नहीं लगाया क्योंकि चिकन में बहुत ज़्यादा ऑयल है। और इसी में मैंने इसको फ्राई किया था, बनाया था। अब हमने कोरमे की तह लगा ली है, साथ साथ हम ये दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। लीमू को हम लगाएंगे ऊपर 6 से 7 पीस, पुदीने के 6 से 7 पीस पत्ते जो है वो हम डालेंगे, हरी मिर्चें इनको हम डालेंगे, और ये अंडे जो हमने बॉयल किए थे इनको भी हमने काट लिया है, उसकी भी तह एक लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर एक और चावलों की तह लगाएंगे, बिस्मिल्लाह, और बाद में अच्छी तरह से हम इनको भी खिला लेंगे। अब हम फिर कोरमे की तह लगाएंगे एक ऊपर, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप कोरमे की तह और चावलों की तह और जो आपको अंडे और मसाले चीज़ें वगैरह हमने बताई थी वो लगाएंगे, इसके बाद फिर हम ऊपर चावल लगाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम चावल लगाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो चावल बच गए हैं वो सारे अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब हम इसके ऊपर जो चीज़ें बच गई थी वो सारी वो शामिल कर देंगे, पुदीना, लीमू, हरी मिर्चें और अंडे वगैरह। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे, जो हमने प्याज वगैरह ब्राउन किया था इसको अच्छी तरह से हम निकाल के ऊपर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे जो मैंने आपको दिखाया था, फूड कलर लेकर 1 चम्मच, आधा चम्मच तो उसमें हमने 2-3 चम्मच पानी के डाले थे और इसको मिक्स किया, ऊपर में हमने वो डाल दिया। अब हम इसको लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट दम, ठीक है, बिल्कुल नीचे लाइट चूल्हा हमने कर दी है और इसको 10 मिनट हम दम के बाद फिर चेक करेंगे, ठीक है। अब 10 मिनट हो गए हम चावलों को चेक करेंगे, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आया है, तकरीबन ये देखिए हमारे चावल हो गए हैं, ठीक है। अब हम सर्व करेंगे, मज़ेदार सी हमारी तहदार बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और सबके साथ शेयर करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।